तो गाय को जब पता चलेगा कि उसका ठिकाना निकोला ने बताया है तो उनका इत्तेहाद टूट जाएगा। अगर निकोला तो गाय से गद्दारी करता है तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी इसके पीछे, और हम इस मौके से फायदा उठाएंगे। सुकून से नहीं बैठेंगे, उनके पीछे जाएंगे। हम दुश्मनों की सरजमीनें रूई की तरह बिखेर देंगे और तो गाय की लाश के परखचे उड़ाकर रख देंगे इंशाल्लाह। तो गाय के साथ जो होने वाला है वो उसका मुस्तहिक है, लेकिन उस्मान साहब हमें पहले निकोला से निमटना होगा। बामसी साहब ठीक कह रहे हैं, अगर हम निकोला से पहले निमट लें तो उस खाना बदोश तो गाय को मारकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम उन दोनों से निमट सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से बहुत ताकत है, हमारा आजम बुलंद है। एनागोल की फतह सरदारान की मदद से और भी आसान हो जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाइए। भाईजान, अल्लाह तुम्हारी फतवात को हमेशा कायम और दायम रखे। जीत रहिए भाईजान, खुश आमदीद। लेकिन आप जल्दी लौट आए, मेरे पास एक आम खबर है मेरे भाई। कहिए क्या है। जब मैं कोलो जासार में था तो मुझे कुस्तुनतुनिया से आने वाले एक ताजर से खबर मिली है। कालानूस जिसको तुमने मारा था उसका भाई बहुत से सिपाहियों के साथ एनागोल की तरफ जा रहा है। कल रात तक वो कले पहुंच जाएंगे। फिर तो हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी बामसी साहब। मतलब ये कि निकोला को जान की फिक्र लाहक हो चुकी है, एनागोल उसके हाथ से निकलने वाला है, वो जान चुका है। ये एक अहम खबर है साथियों, इससे पहले कि एनागोल की फतह मुश्किल हो जाए हमें जितनी जल्दी हो सके जंग के लिए आगे बढ़ना होगा। आपने जिहाद की तलवार उठाई उस्मान साहब, आपकी पैरवी हमारे लिए काफी है। अल्लाह के हुक्म से हम वक्त जाया किए बगैर जंग के मैदान में जाएंगे। शुक्रिया बमसी साहब, शुक्रिया। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। शुक्रिया मेरे भाई। हम कालानूस के भाई और उसके सिपाहियों को कले पहुंचने से पहले ही रोक देंगे। कबाइल के सरदारान को आगाह कर दीजिए कि अपने सिपाहियों को साथ लेकर वहां पहुंच जाए। उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है तो हमें सरदारान की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फतह का मजा चखेंगे और जिहाद के इस अजर में शरीक होंगे। वो जिहाद में शामिल होने की आदत डालें, माले गनीमत में से हिस्सा लें और इत्तेहाद की फिक्र करना शुरू कर दें। गुंदूज भाई, मुझे सरदार और सिपाही सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त तैयार चाहिए। आप इसकी फिक्र न करें, सबको पैगाम भिजवा दिया जाएगा, जंग के मैदान में सब मौजूद होंगे। शुक्रिया। हम एनागोल फतह कर सकते हैं अगर हम उन्हें एक दूसरे से अलग कर दें। उन पर ऐसा वार करेंगे कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगे। ठीक है।